जाम से मुक्ति उसके बावजूद नहीं मिल रहा है तो क्या कारण है? लंबे समय से यदि पुल क्षतिग्रस्त है तो सरकार को क्या वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए? और खुलेआम दर्जनों की संख्या में आ रहा कानून का उल्लंघन हो रहा है। जायका ने एक रिपोर्ट भी दे दिया है जो जापान की कंपनी है, उसको अविलंब गति देने का काम करें। हम सब लोग मिलकर इस मामले को निकाल देना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। कहते हैं किसी के दर्द का एहसास तब तक नहीं होता है जब तक वो दर्द आपको महसूस ना हो। गांधी सेतु पर महाजाम के दर्द से हम आप जैसे आम आदमी का तो नाता बन चुका है, लेकिन जब यही दर्द माननीयों को परेशान करने लगा तो उस दर्द में उन्हें दम नजर आने लगा है। दर्द की दवा ढूंढने के लिए फिर से सियासी बहस होने लगी, लेकिन सवाल है कि बहस तो पहले भी हुई लेकिन दवा के नाम पर सिर्फ दावा ही मिलता रहा, तो सवाल है कि कब तक सियासी दावे के सहारे गांधी सेतु पर लगने वाले महाजाम की दवा ढूंढी जाती रहेगी। जाम से मुक्ति उसके बावजूद नहीं मिल रहा है तो क्या कारण है? लंबे समय से यदि पुल क्षतिग्रस्त है तो सरकार को क्या वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए? और खुलेआम दर्जनों की संख्या में आ रहा कानून का उल्लंघन हो रहा है। जायका ने एक रिपोर्ट भी दे दिया है जो जापान की कंपनी है, उसको अविलंब गति देने का काम करें। हम सब लोग मिलकर इस मामले को निकाल देना चाहते हैं। बिहार में गांधी सेतु को लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन इस सेतु की वजह से कईयों की जिंदगी से खिलवाड़ हुआ है। गलती सेतु की तो बिल्कुल नहीं, दोष व्यवस्था का है और अब व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे किए जा रहे हैं। सदन में सेतु की व्यथा सुनाई जा रही है। महात्मा गांधी सेतु के पाया संख्या 36 से 46 तक क्षतिग्रस्त रहने के कारण आवागमन वन वे है। इसके लिए लेन ड्राइविंग की सुविधा बहाल की गई है ताकि वाहनों द्वारा ओवरटेकिंग न हो तथा यात्री वाहनों को माल वाहनों पर प्राथमिकता दी जाती है। प्रभारी मंत्री जी बता रहे हैं कि ये सारी कार्रवाई की गई, 10 चक्का को बंद कर दिया गया, तो जाम से मुक्ति उसके बावजूद नहीं मिल रहा है तो क्या कारण है और कब तक जाम से मुक्ति मिलेगा? क्योंकि पूरा पटना शहर से लेकर फतुहा तक पूरे जाम से त्रायमाम की स्थिति उत्पन्न रहता है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि गांधी सेतु को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है, दरअसल आरोपों का एक ऐसा चक्र भी है जिसमें गांधी सेतु हमेशा से फंसता रहा है। सदन में सवाल उठे लेकिन इस महासेतु को दुरुस्त करने को लेकर संदेह अभी भी कायम है। इस तरह की घटनाएं नहीं होती, कभी कभी पर्व त्यौहार और शादी के लगन के वक्त में कभी कभी स्थितियां थोड़ी कठिनाई पैदा करती है, लेकिन उसको भी तरीके से निकाल लिया जाता है और अलग से भी उसके इंतजाम करने के लिए दोनों साइड में जब तक कोई एक वैकल्पिक छोटी गाड़ियों के लिए बना नहीं दिए जाते तब तक ये कठिनाई कभी कभी हुआ करती है। 14 के तिथि से 10 चक्का वाहनों पर गांधी सेतु में जाने पर रोक है। हम लोग को उसी तरफ जो है पड़ता है क्षेत्र, और आज भी हम लोग आए, मतलब साफ नजर आता है कि नियम कानून की अवहेलना की जा रही है। हालांकि इस तरह की बहस, इस तरह के सवाल जवाब पहले भी हो चुके हैं गांधी सेतु को लेकर, लेकिन तस्वीर बदली नहीं और बिगड़ती चली गई। तो इस बार हम क्या उम्मीद करें और उम्मीद हम क्यों करें, क्योंकि इस बार भी बहस आरोप प्रत्यारोप के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आ रहा है। आपको बता दें 6 किलोमीटर लंबा महात्मा गांधी सेतु है, 1982 में बना था और तब इसके निर्माण पर 82 करोड़ रुपए खर्च आया था उस समय। हालांकि एक दशक में इसकी मरम्मत पर 115 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, निर्माण की लागत से ज्यादा, कहीं ज्यादा, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। 10 सालों में 192 करोड़ रुपए आवंटित हुए 2005-2006 से अब तक, और 115 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक ये आंकड़ा है। हम साल दर साल भी खर्च और आवंटन का आंकड़ा आपको बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल किस तरह से आंकड़ों का खेल चलता रहा। लगातार राशि मरम्मत के नाम पर दी जाती रही और उसके बावजूद भी तस्वीर बदली नहीं, तस्वीर सुधरी नहीं, बल्कि तस्वीर और ज़्यादा बिगड़ती रही। हमारे साथ स्टूडियो में जो पैनल में मेहमान मौजूद हैं, आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं मौजूद, आरजेडी के प्रवक्ता मंटू सिंह हैं, जेडीयू के नेता, और साथ ही नवल किशोर यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा मंटू जी,
चूंकि सत्ता पक्ष में आप हैं, सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो जवाब आपके पास मुकम्मल है नहीं। गांधी सेतु के महाजाम की मुसीबत को क्या यूं ही झेलते रहेंगे? 10 साल से आपकी सरकार और अभी भी आपकी सरकार, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री हैं। मेरे ख्याल से इसका मुकम्मल जवाब आप ही दीजिएगा सर, कि कब तक हम लोग जाम का सामना करते रहें। सच्चाई से आप भी वाकिफ हैं? नहीं, वाकिफ है नहीं सर, मुझे नहीं पता, बता दीजिए। बिहार कितना पीछे था, नीतीश कुमार कितना आगे ले गए, और उस जाम से मुक्ति के लिए आप देख रहे हैं कि आरा छपरा पुल बनकर तैयार है, लगभग 6 महीने के अंदर में चालू हो जाएगा। इसी के लिए विकल्प के रास्ता तलाशा जा रहा है, और आपका राघोपुर वाला पुल का भी टेंडर हो चुका है, और इस पुल के लिए भी आपको मालूम हुआ कि 3-3 DSP, 150 सिपाही, 2 SDO लगातार लगाए गए कि आम जनता को असुविधा नहीं हो। वैकल्पिक रूप में सर नतीजा आपको मिलेगा और मिल भी रहा है, जब आरा छपरा पुल चालू हो जाएगा तो भारी वाहनों का जो परिचालन मोतिहारी से लेकर है यही सुन रहा हूं कि नतीजा आपको आपका मिलेगा। राघोपुर जब पुल चालू होने वाला है तो धीरे धीरे व्यवस्था सुधार हो रहा है और होगा, रोजगारियां बढ़ रही है। आते जाते होंगे तो आपको भी गांधी सेतु का दर्द मिलता है। हम लोग नहीं, इससे हम अलग नहीं है और सरकार भी इससे अलग नहीं है। नीतीश कुमार सहनशील नहीं रहते तो इतने 3-3 जो पुल का स्वीकृति करोड़ों करोड़ रुपया दिया गया किसके लिए? उसी पुल से मुक्त कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि गांधी सेतु पर महाजाम क्या आज की समस्या है? नहीं, आज की समस्या तो नहीं है। नहीं, पहले के तभी ने एक दशक से मरम्मत का काम चल रहा है, उसका हिसाब तो दीजिए। देखिए उसका क्या हुआ, 115 करोड़ रुपए खर्च हो गए अब तक। केंद्र के जिम्मे भी है और केंद्र सरकार अभी आपको मालूम है कि जितनी सरकारी बिहार में योजना चल रही थी उस सभी पर कटौती कर दी है, जिसका भी असर हमारे ठीक है मान लेते हैं हम। एक दशक में मरम्मत का काम जो हुआ, एक अगर मरम्मत का काम स्वीकृति हो गई, दोनों पुल बन रहा है आपका, 6 महीना में छपरा से सर, चालू होने वाला सर, है सर बिल्कुल हम सपने हम देख लेंगे, लेकिन सपने नहीं हकीकत आपको दिखाएंगे। आप गांधी सेतु के जो वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कनेक्टिंग रोड बन रहा है, बाकी सारे काम सर गांधी सेतु की वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उसी के व्यवस्था। अच्छा, छपरा से जो पुल बन रहा है किसके वैकल्पिक हो रहा है? उसका जो लोड है छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सब बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा तो इसी का लाभ होगा, दबाव कम होगा। उत्तर बिहार के लोग किधर से जाएंगे? उस रोड पुल से भी जाएंगे। राघोपुर पुल आपका प्रस्तावित स्वीकृति हो चुका है, उस साल के लोग उधर से जाएंगे, तो जब लोड बढ़ेगा कितना घुमावदार हो जाएगा, वो चीज समझिए। घुमावदार वैकल्पिक व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल गांधी सेतु को लेकर है सर। मंटू जी, गांधी सेतु को लेकर है, गांधी सेतु के मरम्मत पर 115 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, नतीजा क्या है आज मुझे आप बता सकते हैं? 115 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद नतीजा क्या है? काम नहीं हुआ उसमें, मुझे बता दीजिए सर। 115 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद नतीजा क्या है? काम लगातार उसमें चल रहा है, अभी बिल्कुल वही तो सवाल है कि काम चल रहा है लेकिन काम है, कभी बार पानी आगे हो जाता है, कभी पानी कम हो जाता है, इसके चलते सुविधा हुआ तुझे जी। मेरे ख्याल से सवाल आपसे भी अब होना चाहिए, अब तक आप विपक्ष में थे, आप नीतीश जी पर ही सवाल खड़ा कर रहे थे कल तक कि गांधी सेतु के मरम्मत के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, आपके नेता कहते थे, मुझे याद है। आज आप क्या कहेंगे, नीतीश जी बेहतर कर रहे हैं? नहीं नहीं, बेहतर तो देखिए नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, ठीक है। और जो जाम की बात आप सुमित जी कर रहे हैं, उस जाम के सिर्फ एक ही पहलू नहीं है, बता दीजिए सर। उस जाम के बहुत सारे कारण, अब जो कहीं पर मरम्मती का कार्य चल रहा है, उस मरम्मती के कार्य के कारण डिवाइडर जो उसको एक ही जगह से जो आने का था, उसमें क्या होता है, जो गाड़ियां होती हैं वो ओवरटेक करने के चक्कर में, और एक गाड़ी जब जाम में फंसती है या किसी बड़े ट्रक का टूट गया एक्सेल या पंचर खड़े होते हैं, इसके कारण से ही बहुत सारे जाम। कब तक हम ये जवाब सुने? नहीं, जवाब देखिए, जवाब कब तक हम सुनते रहेंगे? जवाब तो जो वैकल्पिक मरम्मत कब तक चलती रहेगी? नहीं नहीं, मरम्मत कोई डेट बताएंगे कि मरम्मत इस डेट तक पूरा हो जाएगा? आप पहले इस बात को समझिए, उस इस पुल पर इतना लोड है, उसके भी कारण जो आप जान रहे हैं कि जब तक इसका वैकल्पिक व्यवस्था कुछ दिनों में जो तैयार हो रहा है, उसके बाद इस पर जब लोड कम होंगे तो स्वाभाविक रूप से देखिएगा इस समस्या का समाधान होगा। और मैं आपको सर खर्च और आवंटित रकम साल दर साल बताता हूं, और उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं। 2012 में 29.39 करोड़ रुपए आवंटित हुए, खर्च 16.47 करोड़ रुपए। 2010 में 23.81 करोड़ रुपए आवंटित हुए, 22.52 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2009 में ही 13.71 करोड़ रुपए आवंटित हुए एक पाया के लिए, 11.27 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2009 में अलग अलग मद में 73 करोड़ रुपए आवंटित हुए, 2009 में ही
64 करोड़ रुपये खर्च हुए। 2008 में 13.39 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे, 11.64 करोड़ रुपये खर्च हुए। सर ये आंकड़ा बता रहे हैं, तो आवंटित जितना होता है खर्च उससे कम होता है, और आवंटित हर साल होते रहे, कुल 115 करोड़ रुपए खर्च हुए, 192 करोड़ रुपए आवंटित हुए। नतीजा आज भी जनता जानना चाहती है, वो क्या नतीजा निकल पाएगा या कब निकलेगा सर, या हम छोड़ दें, लावारिस है गांधी सेतु? नहीं नहीं, लावारिस सुमित जी नहीं है, जनता का जो समस्या है, जनता को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उससे सरकार चिंतित है, और इसके लिए इसका रिजल्ट जो है आप देखिएगा जिस तरह से व्यवस्था किया गया है, जो वहाँ तैनाती की गई है, इसके बावजूद हमने कहा चूंकि इस पर इतना लोड है कि इस पर जाम की समस्याएं आए दिन, सबको समस्याएं, छोड़ दें, नहीं नहीं छोड़ने का कहां सवाल है, इसी पर लोगों को इसका समाधान, एम्बुलेंस में मरीजों को मरने दे जाम के कारण, नहीं नहीं इसके लिए आप देखिए इसमें सुधार हुआ है, और आज कहां हुआ है सर, पहले हुआ कल कहां हुआ है, 14 घंटे जाम में फंसे सर, कभी आम आदमी की तरह बसों में सवार होकर आप भी महसूस पहले सुमित जी पहले आए दिन हुआ करती थी, अब देखिए जब जाम होते हैं तो किसी गाड़ी का अगर, हाँ लोग एक तरह से उस दर्द से नाता बना चुके हैं, देखिए दर्द तो है, सेतु पर जाम उस दर्द का निवारण किया जा रहा है, बात कर रहे हैं, और उस दर्द का निवारण हुआ है, निवारण 10 साल से हो रहा है, निवारण नहीं हुआ, 10 साल से एक ही चीज को आप अगर टारगेट कर रहे हैं कि 10 साल से उसका निवारण, 10 साल में सुधार हुआ, पूछा जाएगा आपसे, पहले तो बीजेपी के लोग पथ निर्माण विभाग थे उनके साथ, नवल किशोर जी आज आप सवाल पूछ रहे हैं, जवाब तो आपको भी देना होगा सर, इससे पहले आप भी थे सहयोग में और पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर जी ही थे। देखिए पहले दो तीन चीज़ों का, एक तो अभी मंटू जी कह रहे थे कि 10 साल में बहुत जो बिगड़ा हुआ था ठीक कर, अभी संशोधन कर लीजिए, वो 15 साल को भारतीय जनता पार्टी का शासन जो बिगड़ल था उसको थोड़े था, जिनके साथ हैं उन्हीं को अब तो गाली देना उनको बंद कर दीजिए, अब तो आप अपमानित करना राष्ट्रीय जनता, ठीक है सर बंद कर दीजिए, आप घुमा के लेके चले जाते हैं, आपके जवाब पर आता हूं, कुमार जी ने जन्नत सर, ला दिया और लालू जी, नवल जी सब खत्म कर, गांधी सेतु पर आइए, आपके आपने क्या किया गांधी सेतु पर, ऐसा है जी ये गांधी सेतु राज्य सरकार के खजाने से जो पैसा अलॉट होते हैं वो सिर्फ एक पाखंड है, 120 करोड़ जो खर्च हुआ है उस पर स्क्रू पुल भी बना के उसको 6 महीना और साल भर में अलग से सबॉर्डिनेट स्क्रू पुल जो सेना में बनते हैं उसको बना के भी उसको डाइवर्शन को ठीक किया जा सकता था, पहले क्यों नहीं किया सर, आपके आपके विभाग के मंत्री पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर जी, सुमित जी सब जानते हैं विभाग के मंत्री कोई बड़ा नहीं होते हैं, राज्य के राज्य का संचालन करने वाले कितनी बार पहले बिहार के मुख्यमंत्री किसी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री, अच्छा, नवल जी ईमानदारी से बताइए केंद्र जिम्मेदार है इसमें, इसमें कहला केंद्र जिम्मेदार रहेगा, आपका घर है, आप पुलिस को, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं सर, आप आर्काइव भी पलट के देख लीजिएगा, मैं गूगल सर्च कर रहा था, तो एक न्यूज एजेंसी को नंद किशोर जी का इंटरव्यू 2011 में दिया था, मैं अक्षरशः पढ़ के सुना देता हूं, आप सर्च भी कर लीजिएगा, गंगा सेतु की ऐसी दुर्दशा इसलिए हुई क्योंकि केंद्र ने इसकी पूरी मरम्मत के लिए जरूरी एकमुश्त रकम ना देकर टुकड़े टुकड़े में राशि दी, अब पुल के पूरे ऊपरी ढांचे यानी सुपर स्ट्रक्चर को बदलने के लिए 167 करोड़ रुपए का जो विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजी गई है वो मंजूरी के लिए केंद्र के पास लंबित है, इस पर बातचीत के लिए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री मुझे समय भी नहीं दे रहे हैं, ये नंद किशोर यादव जी का बयान 2011 में पथ निर्माण मंत्री थे, केंद्र पर मथे मर रहे थे, आज सुमित जी आपके सुर बदल गए, सुमित जी आप ये पता है ना मिल गया इनको बस उसी में, ये पता है ना कि इस पुल पर टैक्स वसूले जाते थे सर, उस समय आपको पता नहीं, आप टैक्स वसूले जाते थे, जी से जब सवाल पूछा गया था तो उसमें आपको पता नहीं था, सुमित जी राज्य सरकार को पूरी तरह सुपुर्द हुआ और वो टैक्स के जो खजाना में पैसा गया वो बिहार सरकार के, वो इसीलिए कि उसका मेंटेनेंस करेंगे, आप किसी पर ट्रांसफर कर दीजिए, 167 करोड़ रुपया नहीं मिला तो आप नहीं काम लगाए होते, आपने जो 120 करोड़ रुपया लगाया उसकी उपलब्धि क्या है, और आज आप कह रहे हैं सवाल आपसे भी तो पूछा जाएगा सर, हमसे क्यों पूछा जाएगा, पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव जी उस समय केंद्र पर दोष मढ़ रहे थे, ऐसा है कि उस समय केंद्र पर दोष मढ़ रहे थे, आज केंद्र जिम्मेदार नहीं है, नितिन गडकरी साहब का बयान भी मैं आपको याद दिलाऊंगा नवल जी, सुमित एक सेकंड सर, इनको बगल में पुल बनाने के लिए शिलान्यास करने के लिए हैसियत है और ये जो पुल बना हुआ है इसको ठीक करने की हैसियत नहीं है, तो वही मैं जाना चाह रहा हूँ नवल जी, कब तक राज्य और केंद्र के बीच, आप राज्य में केंद्र का कोई बात नहीं है, मैंने बयान सुना दिया सर,
बयान दिए होंगे, दिए होंगे तो फिर उस समय केंद्र जिम्मेदार था। वो टालना चाहते थे उस सरकार में नीतीश से। अच्छा, उस समय टालना चाह रहे थे नंदकिशोर जी, नीतीश अपनी गलती टालना चाह रहे थे। आप ये कह रहे हैं अपनी गलती मानने नहीं मानने के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा दिया था। तो यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कब तक टालू रवैया आप तमाम सियासी दलों का रहता रहेगा। सियासी दलों का नहीं, रूलिंग पार्टी का काम है, सियासी दलों का। बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ सर, रूलिंग पार्टी बना विपक्ष कब तक चलता रहेगा ये बताइए कि ये इतने आप लोग नितिन गडकरी से जुड़े हुए हैं, इतने आप लोग जनहित की चिंता करने वाले हैं, तो सर गांधी सेतु पर कम से कम हजारों लोग एक इतनी मुसीबत से सामना होते हैं। सर आप आज भी वही रूलिंग पार्टी केंद्र राज्य जनहित से जुड़े मुद्दों पर सियासत करती है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मंटू जी, सर आज सुधार नहीं हुआ। मंटू जी, रैया टार पुल पहले क्या स्थिति थी? हाँ, आप बताइए सुधार हुआ कि नहीं हुआ? मंटू जी सर एक सेकंड, अब मेरा सवाल आपसे है, नंदकिशोर जी का पुराना बयान, उस समय ये कह रहे हैं टाल दिया था इन्होंने, आप क्या कहिएगा इस वक्त अगर आप केंद्र पर दोष मढ़ रहे हैं? एक सेकंड सर, मंटू जी पूरा सवाल सुन लीजिए सर धैर्यपूर्वक, अगर आप केंद्र पर आज सवाल मढ़ रहे हैं, आज दोष मढ़ रहे हैं, तो क्या उस वक्त भी आप केंद्र पर दोष मढ़ रहे थे वो भी सच है? यानी कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार है, इस हालत के लिए जिस कांग्रेस के साथ आज अब सरकार में है? देखिए, केंद्र पर दोष नहीं मर रहे हैं, जब भी नितिन गडकरी जो अभी जो बोले हैं उसको आप क्यों नहीं बोल रहे? सर मैं आपकी सहूलियत के साथ सवाल नहीं पूछूंगा। हम सर हाल में एनएच करोड़ का सुधार कर देंगे। बिल्कुल, मैं सवाल आपकी सहूलियत के साथ नहीं पूछूंगा मंटू जी, मैं सीधे पूछ रहा हूँ, केंद्र अगर दोष केंद्र में सरकार चाहे जिसकी भी हो, कांग्रेस दोषी है? साथ हमेशा 53 व्यवहार किया, व्यवहार हमेशा किया है कांग्रेस ने किया ना सर। रोड ऐसा कांग्रेस के साथ आप चले गए, रोड ऐसा डिपार्टमेंट है, रोड ऐसा डिपार्टमेंट है, रहता है तो एनएच किसी के जिम्मे रहता है, कांग्रेस के जिम्मे रहता है, कांग्रेस जवाबदेही है, तो केंद्र सरकार अपनी जवाबदेही नहीं निभा रही है जिसके चलते कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। कांग्रेस भी दोषी है ना सर, संवेदनशील है मंटू जी, कांग्रेस भी दोषी है ना फिर? क्यों नहीं दोषी? कोई नहीं, सरकार सरकार दोषी है, बीजेपी दोषी है, खाली पैसा ट्रांसफर करके खा रहा है ठेकेदारों की बिचौलियों के माध्यम से। आज किसकी है? आज केंद्र सरकार नितिन गडकरी ने कहा था कि हर हाल में गांधी सेतु में सुधार किया जाएगा, हम 1 करोड़ रुपया देंगे, क्या दिए बिहार के लिए? बिल्कुल मैं मानता हूँ, क्या दिए आप सबने वादा किया सुधार के लिए? नीतीश कुमार ने यदि सुधार नहीं किया होता, चिड़िया टार पुल क्या स्थिति थी? चिड़िया टार पुल नीतीश कुमार ने नहीं बनवाया है, गर्भ में थे तभी से पर रही है ना। नीतीश कुमार शिलान्यास है जंगल राज वाला का, जिनको कह रहे हैं शिलान्यास है, सब नीतीश जी के कोठे में मत ले जाइए। आपका भाषा में जंगल राज होगा, मंगल राज है, मंडल राज है। सर कहाँ जा रहे हैं? तो मंगलराज में राज बढ़ाइए। अरे आइए ना, पहले ठीक से गांधी सेतु इधर उधर कहाँ देख रहे हैं? मंटू जी, कोई सर मंटू जी बाहर से आइएगा तो पहले गांधी सेतु पार कीजिएगा, ठीक है? तो पहले चिरे डर पहुंच जाइए, दिखाई कर इस पर हम कह रहे हैं, पहले गांधी सेतु पर रहिए सर, उसकी चिरे डर बाद में आएगा। राबड़ी जी का सिला नहीं है सर, मैं गांधी सेतु को लेकर आपसे बात कर रहा हूं। राजेंद्र नगर पुल और सर बाकी पुल की उपलब्धि आप लोग गिनाते रहिए, राजा बाजार पुल भी बोल दीजिए, कौन बना राजा बाजार? क्या आप लोग का अंडरस्टैंडिंग का है? तो गांधी सेतु को लेकर कोई जिम्मेदार नहीं है? सरकार संवेदनशील है, संवेदनशील कब तक रहेगी? पुल बना रहे, दो दो पुल, इसमें भी सुधार के लिए गांधी सेतु पर तब तक लोग मरते रहे। आपको एक सप्ताह में सुधार दिखाई देगा, एक सप्ताह लोग मरते रहेंगे गांधी सेतु पर, आपको एक सप्ताह में सुधार दिखाई देगा। कल मीटिंग हुआ है, पैसा वसूली कर रही है, आपने भ्रष्टाचार पर मुद्दा उठाया है, गांधी सेतु की समस्या पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव, हम तो कह रहे हैं कभी तेजस्वी यादव जी बने हैं, आप जिम्मेदारी समस्या का निदान होता है, विलंब होगा, निदान कैसे होगा, जरा उसका ब्लूप्रिंट भी बताइए, कितना दिन में आइडिया बताइएगा। अरे आपको 15 दिन में सुधार दिखाएगा। नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी की सरकार चिंतित है, इसके निराकरण के लिए ठोस उपाय चल रहे हैं, कितना साल में जादू की छड़ी सुनते कान पर। बीजेपी जो है, माफ कीजिएगा मृत्युंजय जी, बीजेपी को काम धाम कुछ करना नहीं है मृत्युंजय जी, बीजेपी जेडीयू आरजेडी कांग्रेस जो भी है, बिहार को सराहना कराइए ना जल्दी, काला धन आया ना रोजगार आप सभी का शुक्रिया। दूध नहीं मिल रहा है तो क्या कारण है? लंबे समय से यदि पुल क्षतिग्रस्त है,
सरकार को क्या वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए? और खुलेआम दर्जनों की संख्या में आ रहा कानून का उल्लंघन हो रहा है। जायका ने एक रिपोर्ट भी दे दिया है जो जापान की कंपनी है, उसको अविलंब गति देने का काम करें। हम सब लोग मिलकर इस मामले को निराकरण करेंगे।